राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग जुटाने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत के तीखी प्रतिक्रिया पर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। सिद्धांतों से भटकी हुई शिवसेना पार्टी के एक सांसद ने बहुत ही एक गंदा बयान दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो विहिप और संघ का एक प्रयास है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जो 1 रुपए देना चाहते हैं, 10 रुपए देना चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं कि हम 1 रुपए किस तरह से जाके अकाउंट में दें, उनके घर में जा करके, कि जिससे सबको ये लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में हमारा भी सहयोग लगा है। लेकिन जहां इस कदम की सराहना होनी चाहिए, वही जो है तो शिवसेना पार्टी के सांसद ने जो एक घिनौना बयान दिया है कि चंदा धंधा गंदा क्या है, इस तरह की बयानबाजी जो है। अब देश में 2 तरह की राजनीति है, एक देश हित की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी में है, और यही प्रत्यक्ष देखा जाता है। अगर कोई वंदे मातरम बोल दिया, भारत माता की जय बोल दिया, तो लोग समझते हैं कि भाजपा ही है। और अगर कहीं देश तोड़ने की बात हो, देश में आग लगाने की बात हो, ये विपक्ष की राजनीति चल रही है। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य आचार्य पीठ तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या से सभी जो है राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं, देश जोड़ने की बात होनी चाहिए, देश हित की बात होनी चाहिए, न कि देश तोड़ने की। और इस तरह से जो कह रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है, इस तरह से भ्रामक प्रचार कर करके और जनता को गुमराह करना, यह मैं समझता हूं कि यह देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इस तरह की शिवसेना पार्टी जो है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने भगवा और हिंदुत्व के सम्मान की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के बाद में शिवसेना पार्टी की भाषा भी बदल गई, कार्यशैली भी बदल गई और पूर्ण रूप से देश विरोधी हो गई है। इसलिए हम अपेक्षा रखते हैं कि देश हित की राजनीति होनी चाहिए। हिंदू परिषद जो यह रामलला के लिए चंदा की बात जो कहा है, उसका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि छोटे से बड़े रामलला के साथ जुड़े, और इसमें पैसा देने वाले तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन उनका न लेकर के राम भक्तों को जोड़ने के प्रयास है। तो राम भक्त जोड़ने का जो विश्व हिंदू परिषद का ये प्रयास है कि हमारे छोटे हैं जो, इसीलिए 10 रुपये का और 100 रुपये का, 1000 रुपये का यह बना हुआ है कार्ड, और उसी कार्ड को दिया जाएगा, और उस पर यह लोग जो 10 रुपये देने वाले हैं वो भी भगवान राम से जुड़ जाएंगे, जो 100 रुपये देने की क्षमता रखते हैं वो भी भगवान राम से जुड़ जाएंगे, जो 1000 रुपया देने वाले हैं वो भी राम से जुड़ जाएंगे, और जो करोड़ों रुपया देने वाले हैं वो तो देना चाहते ही हैं, लेकिन जो विचार विश्व हिंदू परिषद का है और वो ये है कि नहीं, हम बड़े बड़े पूंजीपतियों से तो चंदा ले सकते हैं और उसे भव्य मंदिर बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आम जनता है वो भगवान राम से जुड़ नहीं पाएगी, जो जिनकी क्षमता केवल 10 रुपया देने की है वह नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए ये चंदा नहीं है, ये भगवान राम के भक्तों को और उनके साथ जोड़ने का ये प्रयास है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय बात है कि छोटे छोटे जो लोग हैं, जो बहुत बड़े पूंजीपत नहीं हैं, वो उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो 10 रुपया दे करके भी राम मंदिर के राम मंदिर निर्माण में सहयोगी माने जाएंगे। इसलिए जो भी विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है तो बहुत अच्छी है, सराहनीय है और यह स्वागत योग्य है।